वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये वाला वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। और मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश की है, लाइक आईज़ को यू कैन सी बहुत ज़्यादा, मतलब हैवी नहीं है बट थोड़ा सा ग्लिटर वाला रखने की कोशिश की है एंड न्यूड लिप्स रखे हैं और हर बारी डार्क डार्क अच्छा नहीं लगता। और ये मंकी का भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसी में करती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। तो ओवरऑल लुक मुझे बहुत पसंद आया, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आया, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब उन्होंने तो बोला अंग्रेज लग रही हो। ओके, मुझे प्रिंसेस वाली फीलिंग आ रही है अभी। और आप लोग कमेंट करो कि आप लोग को कैसा लगा, बिकॉज मुझे सच में बहुत सुंदर लग रहा है। यू कैन सी कितनी सुंदर आईज लग रही है। मतलब मैंने ना एक, मैं आपको बताती हूँ, मतलब मैंने ना देखा था एक मेकओवर, मतलब एक मेकअप आर्टिस्ट को, वो कर रही थी, सो मैंने थोड़ा सा उनके जैसे किया और मेरे से हुआ भी, सो लाइक अब मैं करना सीख गई हूँ। ओके गाइस, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना एंड फुल वॉच करना एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ शेयर कर देना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में भी। ओके गाइस, इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ यू सब्सक्राइब माई चैनल, अभी के अभी करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करना और सामने मेंशन कर दूंगी अपनी इंस्टा आईडी। सो जल्दी से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और फुल वॉच भी करना, स्किप मत करना। सो नाउ एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम करेंगे अपनी स्किन केयर। ओके, मेरे दो बन जो बने हुए हैं वो बहुत लाइक कार्टून वाली फीलिंग देते हैं, बट मैं खोलने वाली थी बट मैंने सोचा नहीं खोलती हूँ, एट द एंड लास्ट में खोलूँगी तो काफ़ी अच्छा लुक भी आएगा। ओके, अच्छे से टोनर लगाया। टोनर जो होते हैं ना, आपका पोर्स जो होते हैं उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। और आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि दीदी आप जो बोलते हो अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उसको एडिट नहीं करते हो और बोलते बोलते आप गलत बोल देते हो, तो आप ध्यान दो। ओके, मैं ध्यान दूँगी। ये गुड वाइब्स की मैंने न्यूली लॉन्च क्रीम लगाई है, ये काफ़ी अच्छी टेक्सचर है इसका और समर वाला जेल बेस्ड टेक्सचर था। थोड़ा सा मैंने इसको हाथ में भी लगाया क्योंकि हैंड काफ़ी लाइक रूखे सूखे से लग रहे थे। पर्पल का 24 कैरेट वाला ये प्राइमर लगाया, प्राइमर ज़रूर लगाया करो, अपने आपके जितने पोर्स होते हैं ना उसको वो फिल कर देता है, ब्लर कर देता है और साथ ही साथ आपका जो बेस होता है काफ़ी स्मूथ बनता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। ओके, फिर मैं अपनी आईब्रोज सेट करूँगी। सो आईब्रोज सेट करने के लिए मैंने तीनों शेड को मिक्स किया है क्योंकि मेरी आईब्रोज थोड़ी सी मतलब बिल्कुल ब्लैक नहीं है, बट डार्क ब्राउन कलर से जब शेड पे लाइक मैं करती हूँ ना फिल तो सही लगता है, लेकिन ब्लैक मेरे पास बहुत ख़राब लगता है सच में। अच्छे से फिल कर लूँगी, उसके बाद इसको नीट एंड क्लीन करने के लिए कोई भी फाउंडेशन ले लो, अगर कंसीलर नहीं है फाउंडेशन भी कर लो, आप काम उससे बन जाएगा, बिकॉज मैं तो हमेशा ही फाउंडेशन ही लेती हूँ। मेरा ब्राइडल लुक करने का इतना मन है ना सच में, और ब्राइडल के लहंगा भी जो मैंने ख़रीदा है वो भी रखा हुआ है ऑफ वाइट कलर का, करूँगी। चलो अच्छा, एजेस वगैरह क्लीन करके और ब्रश की हेल्प से मैंने उसको क्लीन कर लिया। आज ना मैं पहले आईब्रोज फिल कर ली अपनी। यू कैन सी पर्पल का मैंने न्यू फाउंडेशन मंगाया है, वही शेड आया है लेकिन मैं मिक्स करके लगाऊंगी। यू कैन सी मेरे को कितना पसंद है फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको हर एक वीडियो में बताती हूँ कि ये फाउंडेशन बेस्ट है। और जो ब्राइडल लुक करूँगी ना मैं उसमें यही फाउंडेशन लगाने वाली हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट वाला फाउंडेशन है। मैंने इतने सारे फाउंडेशन मंगाए, वेट एंड वाइल्ड, नायका, ये वो के ब्यूटी, बट मुझे पर्पल से अच्छा कोई नहीं लगा, ट्रस्ट मी गाइज। अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसमें ना ये मेरे जितने भी परफेक्शन इम्परफेक्शन बोलते हैं सब मतलब कवर अप हो जाते हैं इस फाउंडेशन में, इसमें मुझे कंसीलर लगाने की नीड नहीं है सच में। मामा अर्थ का कॉम्पैक्ट लेके अच्छे से मैं अपना लिड वगैरह एंड पूरा फेस लॉक कर लूँगी, बिकॉज समर है तो अच्छे से लॉक करना ज़रूरी है। ये है वेडिंग गेस्ट लुक। आप वेडिंग गेस्ट में ज़रूरी नहीं है आपको पार्लर जाना है, आप खुद से कर सकते हो लुक। माय ग्लैम का ये कॉन्टोर स्टिक है, ये फाउंडेशन है बट मैंने डार्क शेड मंगाया था उसका, सो अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी। आज मेरा मन था क्रीम कॉन्टोर, मेरे पास काफ़ी सारे हैं बट मेरे को डर लगता है करने में, बट मैंने सोचा आज करती हूँ ट्राई। ओके, अच्छे से कॉन्टोर कर लूँगी और जॉ लाइन भी थोड़ा सा करूँगी ताकि चबी चबी सा फेस ना लगे, और अगर आपका मोटा मोटा सा फेस है ना तो आप कॉन्टोर ज़रूर करना। ओके, पॉप एक्सो की ये फेस पैलेट है, इससे मैंने ब्लश लिया, अच्छे से ब्लश लगाया,
फिर जैकलम हिल की आई शेडो पैलेट ली, काफ़ी टाइम से रखी हुई थी बट मेरा मन था कि मैं इससे करूँ, तो पॉइंटेड ब्रश लिया और पर्पल कलर का शेड लिया, जस्ट उसको डैप डैप कर लिया करो ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकल आए। अब पूरी अपने लिड में उसको अच्छे से मैं लगाऊंगी, पूरी लिड में अच्छे से मैं इसको डैप डैप करके लगाऊंगी, ध्यान से लगाना फॉल आउट ना हो। फिर एक फ्लफी ब्रश ले रही हूँ और उससे अच्छे से मैं ब्लेंड 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 करूँगी, ज़्यादा फैलाना मत इस कलर को, ज़्यादा ऊपर तक नहीं ब्लेंड करना, बस नॉर्मल ब्लेंड करना। ओके, रियलिटी में ये जो नॉर्मल ब्लेंड करोगे बहुत प्यारा लगेगा, फैला फैला थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। आईलैश ग्लू ले रही हूँ और सेंटर में लगा रही हूँ ताकि जो भी मैं ग्लिटर लगाऊँ वो बिल्कुल भी फॉल आउट ना हो। एक फ्लैट ब्रश लेके मैंने माई ग्लैम का ये ग्लिटर लिया, वो थोड़ी सी लिंक पता नहीं आई थिंक डिलीट हो गई मेरे से, माई ग्लैम का ग्लिटर लिया है, उसको अच्छे से अपनी लिड में लगाया, यू कैन सी कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है, और नीचे मैं जस्ट पिंक कलर से ब्लेंड कर रही हूँ, वही जो लिड में लगाया था वही। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का काजल, ये भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल पर्पल को टक्कर देता है, बट बात ये है कि पर्पल ना वाटरप्रूफ है, ये वाटरप्रूफ नहीं है, थोड़ा सा थिक लगाया है बिकॉज इट्स वेडिंग गेस्ट मेकअप, तो आप वेडिंग गेस्ट में आप कर सकते हो। काफ़ी अच्छा आई लुक लग रहा था, मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं अपना जो ऑफ वाइट लुक है ना मेरा ब्राइडल ये मतलब ऐसा ही करूँ, बहुत प्यारा लग रहा है। फिर मैंने पर्पल का जेल आईलाइनर लिया, तो क्योंकि ग्लिटर था तो उसके ऊपर मैं अच्छे से नहीं लगा पा रही थी, तो फिर मैंने अपना 20-30 रुपए वाला NYB का जो भी है वो लगाया। ये आईलाइनर सबसे बेस्ट होते हैं, अगर आपको कोई अफोर्डेबल और अच्छे आईलाइनर चाहिए ना, ब्लू हेवन, लैक्मे एंड NYB, ये जो छोटे छोटे आते हैं ना 30-40 वाले, यही बेस्ट होते हैं डेली के लिए। तो फिर अच्छे से मैं स्विस ब्यूटी का हाइप ये जो कर्ल वाला वॉल्यूम वाला है इसका मस्कारा, उससे अच्छे से मैं मस्कारा लगा के, और ये मैंने रेने कॉस्मेटिक की ये न्यू आई लैशेस आई थी मेरे पास वो लगा ली। नहीं अगर इसकी लिंक चाहिए ना आपको तो रेने कॉस्मेटिक वन ब्रांड मेकअप लुक डला हुआ है, आप उसमें जाके ले सकते हो। फिर ये वही वाली पैलेट से, ब्लश वाली पैलेट से मैंने गोल्डन शेड लिया और अच्छे से हाईलाइट कर लिया, काफ़ी नेचुरल ग्लो दे रहा था, इसमें एक भी चंकी पार्टिकल्स नहीं थे। वो मैंने बन बना के रखा ना, तो आई मेरे कान के पीछे ना बहुत दर्द हो रहा, पता है क्या हो गया था, मैं दर्द बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मनीष मल्होत्रा वाली मैंने न्यूड शेड लिया, बिल्कुल पीछे पीछे कलर, मेरे को रेड और पिंक लगाने का मन नहीं था। फिर मैंने मामर्थ का ये कॉमरेड ब्राउन करके ऐसा करके शेड है उसको लगाया, एंड यू कैन सी कितना सुंदर लग रहा था इसके साथ। एंड फेसेस कैनेडा का ये फिक्सर है, अच्छे से फिक्स कर लूँगी, आई लुक कितना सुंदर लग रहा है, कितना 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 सुंदर लग रहा है। अच्छे से फिक्स कर लिया अपना बेस, और मैंने यहाँ पे आई थिंक कपड़े बदल लिए, यस कपड़े बदल लिए, और मैं बस ये प्रे कर रही थी कि काश अच्छे से हो जाए मेरे कर्ल्स, बिकॉज दूसरों से करवाओ तो अच्छे से होते हैं, खुद से करो तो अच्छे से नहीं होते, ये मैंने नोटिस किया है। तो पहले तो भाई पहले वाले घर में मेरी फ्रेंड कर देती थी, अब तो कौन ही करेगा, बट एट द एंड ठीक है, ठीक ठाक हुए थे, अच्छे लग रहे थे कर्ल्स, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। फिर मैंने वाला न्यू ट्रेंडिंग वाला जो मांग टीका है वो लगाया, आजकल बहुत ट्रेंड में है ये वाला मांग टीका, लगाया अच्छे से, और एक चोकर सेट रखा था मेरे पास पहले वाला, वो इसके साथ थोड़ा सा मैचिंग मैचिंग सा लग रहा था, वो पहन रही हूँ मैं। अच्छा गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, कमेंट करना कि नेक्स्ट मैं क्या वीडियो लाऊं, कौन सी वीडियो, लाइक कोई चैलेंज या मेकअप जो भी हो। गोल्डन कलर की यहाँ जस्ट मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, एक रिंग पहन रही हूँ, ये तो मैं हर एक लुक में पहनती हूँ, काफ़ी अच्छी लगती है, मुझे गिफ्ट मिली थी, एंड या और वो वाली मेरी सोने की रिंग है बस, एंड या दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट कर देना, बाय।